अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न्स, मैं हारिस अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर दो खबरें हैं मेरे पास, दोनों ही बहुत अहम हैं, बड़ी हैं, समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये हफ्ता 19 तारीख से शुरू होगा, 19 अप्रैल से, और 25 अप्रैल तक जाएगा। हफ्ते के पहले दिन सूरज इस साल की बेहतरीन पोजिशन पर आपको मुयस्सर आ जाएगा। सूरज चौथे घर से निकलेगा और पांचवें घर में दाखिल हो जाएगा 19 तारीख को। जब भी सूरज किसी नए एंगल पर जाता है, नए हाउस में इंटर होता है, उसका फ्यूल एक नए तर्ज का हो जाता है, उसका बिहेवियर एक नई तर्ज का हो जाता है। पिछले हाउस में रहते हुए इसने अगर आपको कंफर्ट्स दिए, इसने आपको लग्जरीज दी, इसने आपको स्टेटस की तरफ तवज्जो दिलाई, इसने आपके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाया, तो अब जब ये 19 तारीख को पाँचवें घर में दाखिल होगा तो इसके फ्यूल की जो अफेक्टिविटी है, इसके फ्यूल की जो अहमियत है, वो सुने कि वो आपकी ज़िंदगी के किस हिस्से को मुतासर करेगी पॉजिटिवली, किस हिस्से को सपोर्ट करेगी पॉजिटिवली। फिफ्थ हाउस में सूरज की एंट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। पहले रिजल्ट्स हम मटीरियल टाइप के डिस्कस करते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं और डील्स बनाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, तिजारत करते हैं, लोगों को अपनी राय से मुत्तफिक करते हैं, चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं, चाहे गैजेट्स हों, चाहे घर हों, तामीराती शोबे से रिलेटेड हों, या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे अदरवाइज किसी प्रोजेक्ट में एज अ साइलेंट पार्टनर इन पैसा लगाते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत प्रोडक्टिव होगा। तो ये मटेरियल है। और फिर पांचवें घर में सूरज के आने की वजह से आपकी सलाहियतें फ्लरिश करती हैं। पांचवें घर में सूरज के आने से आपके इख्तियारात में इजाफा होता है, किसी हद तक आपकी ईगो में भी इजाफा होता है, आपको ज़रा चीज़ें ज़्यादा चुभने लगती हैं, जो आपकी मुखालफत में होंगी ज़्यादा चुभेंगे। सूरज के पाँचवें घर में आने से रोमानवी कामयाबियाँ मिलती हैं। सूरज के पांचवें घर में आने से आपके यहाँ इज्जत अफजाई के जो पहलू हैं वो बढ़ जाते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आपका जो डोमिनेटिंग लेवल है वो इंक्रीज़ करता है, सामने वाला आपसे दबा हुआ या आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा। फर्टिलिटीज़ में भी इजाफा होता है, बे औलाद जोड़ों के लिए सूरज का सीज़न पांचवें घर में औलाद की अपॉर्चुनिटीज़ या फर्टिलिटीज़ जरखेज़ी लाता है। सूरज के पांचवें घर में होने की वजह से सियासतदानों को, सीईओज़ को, लीडर्स को, चाहे किसी भी दर्जे का लीडर हो, एक ग्रुप का लीडर हो, एक हाउस में लीडर हो या फैमिली में हो, सब में उनको दर्जा बदर्जा इज्जत अफजाई मिलती है। बुजुर्गी आती है, आप डिसीजंस ऐसे लेंगे जिसमें हिकमत का पहलू होगा, दानाई का पहलू होगा, अब आप बेवकूफ़ाना अंदाज से डिसीजन नहीं लेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में आप अपने माइंड को सही सिमत में, कंट्रोल्ड फॉर्म में, डिसिप्लिन फॉर्म में यूज़ कर पाएंगे। पांचवें घर में सूरज के आ जाने से नए रास्ते भी दिखते हैं, जिन चीज़ों की पहले समझ नहीं आया करती थी अब समझ आएगी, सो यू हैव मोर लर्निंग एबिलिटी, दैट इज़ वेरी वेरी असेंशियल फॉर स्टूडेंट्स। तालिब इल्मी की सरगर्मियाँ वैसे भी बढ़ने लगती हैं, मंजिल परस्ती बढ़ने लगती है, फ़र्ज शनासी बढ़ने लगती है, ये सब सूरज के पास। और भी बहुत सारे पहलू हैं, बयान करता जाऊंगा तो वीडियो इसी में ख़त्म हो जाएगी। सो इतने पहलू, तो दूसरे लफ्ज़ों में या सिंगल लाइनर बोलें तो सन इज़ सो बेनिफिक इन फिफ्थ हाउस फॉर कैप्रिकॉर्नियंस एंड स्टार्टेड फ्रॉम 19th of April। और एक टेक्निकल बात करके फिर दूसरी पेशंगोई की तरफ जाता हूँ। सूरज एक साल में एक ही दफ़ा पाँचवें घर में से गुजरेगा। जो ट्यूनिंग मैंने जिन फील्ड्स को गिनवाया है उनकी ट्यूनिंग के लिए जिस तरह का फ्यूल चाहिए होगा वो इन्हीं 30 दिनों में मिलेगा, उसके बाद अगर आपको उस तरह का फ्यूल चाहिए हो तो फिर अगले साल नेचुरली मुयस्सर आएगा। तो जिन लोगों को जो फील्ड्स मैंने गिनवाई हैं इन्हीं फील्ड का कोई एजेंडा, कोई मकसद परफॉर्म करना है तो वो इन 30 दिनों को गनीमत जाने और परफॉर्म करें। इस दूसरी खबर क्या है कि इसी पांचवें घर में नया चांद होगा 25 अप्रैल को। नया चांद एक इवेंट है, एस्ट्रोलॉजिकली अगर सिंगल लाइनर बोला जाए, एक ही लाइन में उसकी तारीफ बयान की जाए तो पांचवें घर में सूरज बहुत पॉजिटिव है फॉर ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, फॉर ऑल टाइप ऑफ इमोशंस, जज्बात, रोमानवी जज्बात के लिए अच्छा, नई रिश्तेदारी के लिए अच्छा,
प्रपोज करने के लिए अच्छा, लव लाइफ अचीवमेंट्स के लिए अच्छा, मोहब्बत के इजहार के लिए, निकाह करने के लिए, निकाह की कामयाबी का अंसर बढ़ जाएगा। ये चांद की पांचवें घर में आने की कामयाबियां हैं और इसी तर्ज की मजीद कामयाबियां, नाराज़गियों का खात्मा, जहनी कोफ्त का खात्मा, अग्रेशन का खात्मा, ये सब चांद से आएगा। बट इस दफ़ा कैप्रिकॉर्नियंस चांद रमज़ान का है, सो दिस इज़ नॉट अ एस्ट्रोलॉजिकल प्रडिक्शन, इट इज़ अ पावरफुल स्पिरिचुअल मोस्ट सीजन, नॉट अ इवेंट, एक छोटा इवेंट नहीं है, एक पूरा 30 दिन का सीजन है। और 25 तारीख को चांद और सूरज दोनों आपके पांचवें घर में होंगे, तो आपके वो जो पहले ढाई से तीन दिन गुजरेंगे वो बहुत आइडियल होंगे, एंड यू सेट योर माइंड फॉर नेक्स्ट 30 डेज। सो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए अपने और रब के दरमियान ताल्लुक को बेहतर बनाइए, अपने अंदर की कमजोरियां दूर करिए, अपने लाइफस्टाइल को आखरत के लिए मुजयन करिए, दुनिया के लिए खुद ब खुद हो जाएगा। और उसके लिए जो आपको रब ताला ने नेमतें अता की हैं उनका शुक्र अदा करिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए तिलावत कुरान मजीद कसरत से करिए और उसमें सूरह शम्स को ज़रूर ऐड करिए। जब आप तिलावत कुरान मजीद पढ़ करेंगे तो उससे सवाब भी मिलेगा, एंड तिलावत खुद ब खुद आपको अपनी तरफ मायल कर लेती है। बट सूरह शम्स इलाज के तौर पर कंसीडर करिए, जिससे टाइम की नेगेटिविटीज़ बैलेंस हो जाएगी। एंड सूरह शम्स की सेकेंड लास्ट आयत को भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और अब आपको इन वज़ाइफ़ के पढ़ने के लिए किसी टाइम की पाबंदी भी नहीं करना, पूरा रमज़ान आइडियल होता है, किसी भी वक़्त, सुबह, दोपहर, शाम, सहरी के वक़्त, रात के वक़्त, तरावी के वक़्त, उसका कोई टाइम ऐसा नहीं है जो फालतू हो। आप जिस वक़्त भी करेंगे पूरी ब्लेसिंग्स लेंगे, पूरा रमज़ान कभी भी कर सकते हैं बगैर किसी टाइम की पाबंदी के। दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, शाम में पढ़ें, सुबह में पढ़ें, अफ्तार के बाद पढ़ें, सहरी के वक़्त पढ़ें, तहज्जुद के वक़्त पढ़ें, कभी भी पढ़ें और कसरत से पढ़ें। इसके बावजूद अगर कोई कमज़ोरी रहे तो फिर एज अ कैप्रिकॉर्नियन रूबी पहनना या ब्लू सफायर पहनना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये दो स्टोन्स बहुत अफेक्टिव हैं फॉर कैप्रिकॉर्न नेचर। और अगर कोई कैप्रिकॉर्न ऑलरेडी ये सब परफॉर्म कर रहा है और फिर भी उसके कुछ सवालात कंप्लेन की शक्ल में सामने हैं, तो फिर वो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डिस्कशंस के लिए अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। मैं कई दफ़ा वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, होप यू अंडरस्टैंड। अब आखिर में मेरी दरख्वास्त कैप्रिकॉर्न, हमेशा की तरह मैंने सारा साल ही आपसे कहा क्या मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं करिए, और आपकी दुआएं आपकी कमेंट्स में बहुत अच्छे अंदाज से हमें मुयस्सर भी हैं, एंड दिल बहुत खुश होता है कि आप लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। बट ज़्यादा करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि रमज़ान सीज़न इज़ अ सीज़न जिसमें दुआएं ज़्यादा कबूल होती, तो ज़्यादा दुआ करिएगा सेहत तंदुरुस्ती के लिए, फैमिली के लिए। यू नो ये मेडिकल एमरजेंसी अल्लाह करे जल्द ख़त्म हो जाए, और वो जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अप्रैल के एंड तक ये एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी फिनिश हो जाएगी या फिनिश होना शुरू हो जाएगी, वो मैंने एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्ट नहीं किया था, वो मैंने अपने बिलीव से, अपनी रब की ज़ात पर, उसके वादों के बिलीव्स पर मैंने प्रिडिक्ट किया था। क्योंकि मुझे ये बात का अंदाज़ा था नहीं अभी भी है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होगा क्योंकि बरकतें आना शुरू होंगी, तो उम्मीद है कि ये जो मेडिकल क्राइसिस हैं सभी के साथ, वर्ल्ड वाइड मुसलमान हों या दीगर मजाहब के लोग सभी के साथ हैं, अल्लाह ताला सभी के साथ रहम का मामला फरमाए। तो दुआ ज़रूर करिए कि अल्लाह ताला इस ख़राबी से, इस मेडिकल एमरजेंसी से अपनी रहमत के इवज़ हमें छुटकारा अता फरमाए। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी जो सब्सक्रिप्शन है ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई की। मैं सच बताऊं, आपकी सब्सक्रिप्शन जो हमें दीगर सोशल मीडिया पर सक्सेसेस दे रही वो अपनी जगह, आपके कमेंट्स की वजह से जो हमारा दिल खुश होता है वो अपनी जगह, बट मेरी टीम की जो जोश और जज्बा है असल में मेहनत वो कर रहे होते, मेरी रिसर्चेस भी उसमें किसी हद तक शामिल हैं लेकिन बाकी वो संभालते, तो उनके लिए भी आपकी दुआएँ और आपकी ये सब्सक्रिप्शन हौसला अफजाई की वजह बनती हैं। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको इस परेशानी से जल्द छुटकारा अता फरमाए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।